सो भैया फिर से फंस गए भाई गंदे वाले जाम में, वो भी पहाड़ में। देखो गाड़ियों का कितना लाइन लगा है। शायद सामने कोई काम चल रहा है या लैंडस्लाइड या कुछ तो होगा। पोखरा से मैंने निकला था मुक्तिनाथ के लिए और यहाँ से मुक्तिनाथ का डिस्टेंस जो है 171 किलोमीटर, लेकिन गूगल मैप में दिखा रहा है 6.5 घंटा लग जाएगा। देखो भाई पहाड़ में जब फंसते हैं ना, इतना गंदा फंसते हैं सारे। मैं आधा घंटे के ऊपर से फंसा हूँ भाई। अभी यहाँ से पता चल रहा है कि कोई रोड का काम चल रहा है तो इसीलिए रोड क्लोज है, लेकिन बाइक वालों को छोड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। कितना सारा बाइक देखो, 1000 के ऊपर बाइक है जो कि वेट कर रहा है जाने के लिए, और मैं लाइन में सबसे आगे। अभी थोड़ा ठंडा लग रहा है खींचने के बाद। भाई क्या रोड है, क्या रोड है मुक्तिनाथ का। हर एक यात्रा बार बार और मुक्तिनाथ एक बार, इसीलिए ही कहते हैं। ये तो वह शुरुआत है भाई, आगे और भी है, यही ख़त्म नहीं। ये जो मोटरेबल रोड देख रहे हो अच्छा खासा फोर लेन वाला, ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये थोड़ा सा आगे जाके ख़त्म हो जाएगा। आगे देखो कितना फॉग है, ऐसा वेदर होगा। क्या फॉग है, क्या फॉग है, सोचा नहीं था ऐसा मिलेगा। कुछ डिफरेंट दिखने को मिल रहा है बहुत दिन बाद, हाई हिमाचल के बाद। यहाँ से आगे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है भाई फॉग के वजह से। देखो आगे बिल्कुल धुंधला धुंधला सा है, कैमरास में थोड़ा सा तो क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन भाई क्या फॉग है क्या बताऊँ। मैंने अपना ये राइड स्टार्ट किया था पोखरा से, उसके बाद तो बहुत ऑफ रोड मिला भाई, बहुत ऑफ रोड। और उसके बाद जो ये मोटरेबल रोड शुरू हुआ ना अच्छा वाला, पीछे तो मैंने सुना कि आगे तातोपानी तक रास्ता ऐसा ही है, लेकिन 2 साल पहले जब मैं आया था ना तब तातोपानी तक रास्ता बहुत ख़राब था, बहुत ख़राब। लेकिन अच्छा लग रहा है सुन के, जे आगे ऑफ रोड तातोपानी तक तो नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखो रोड का काम चल रहा है भाई, स्लाइड हुआ था यहाँ पर, वहाँ पर भी काम चल रहा है रोड बनाने का। अभी भाई मैं बोल रहा था कि रोड अच्छा है, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, फिर से ऑफ रोड शुरू। क्या यार, क्या इन्फॉर्मेशन दिया लोकल बंदों ने। यहाँ पर ठीक है, थोड़ा सा ही छोटा सा पैच था जो ख़राब था, बाकी तो फर्स्ट क्लास। आगे ही मुझे खुशमा मिल जाएगा, बहुत ही पास है। आज सोच रहा हूँ कि खुशमा में बैठ जाऊँ, क्योंकि ज़्यादा जल्दी नहीं है, आपको सीन दिखाते हुए जाना है। ऐसे तो आप 2 दिन में मुक्तिनाथ कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा रुक रुक के जाऊँगा, मज़ा उठाते हुए, ये वेदर का फील लेते हुए। जितना ही आगे जा रहा हूँ ना, सीन उतना ब्यूटीफुल होते जा रहा है। क्या लैंडस्केप आ रहा है भाई यहाँ से, और वेदर जो है क्या बताऊँ। ऊपर देखो पहाड़ में ना टॉप में क्लाउड ऐसा लहर रहा है। देखो मुझे सबसे प्यारा लगता है ना इस जैसा घर, जो कि पहाड़ की एकदम ढलान में होता है और इतना कलरफुल होता है ये सब घर। क्या सीन है, क्या सीन है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ भाई ब्यूटीफुल नेपाल, ब्यूटीफुल।
आपको ऐसा लगेगा ना, आप कैमरा बंद ही नहीं कर पाओगे, इतना सुंदर है। चलिए, जो मैं देख सकता हूँ अपनी आँखों से ना, उसमें से आप कैमरे के ज़रिए देख सकते हो ओनली 30% भाई। तो सोचो क्या सीन होगा। वाओ, नेपाल एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे ना आपको कलर ऑफ वैरायटी मिलेगा। अब बस कलर को फील करो, ये सारे जो है नेचुरल कलर, क्या वैरायटी है भाई कलर का। जहाँ पे आपको ग्रीनरी मिलेगा, साथ में ऑफ रोडिंग भी मिलेगा, और इस जैसे लैंडस्केप मिलेगा भाई। कहाँ कहाँ से रोड बना दिया भैया, देखो ये एकदम दोनों पहाड़ के एकदम साइड से टर्न ले लिया। यहाँ से लगता है बिल्कुल यहाँ पर दुनिया खत्म है। क्या यूटर्न है, क्या यूटर्न। बहुत बड़ा यूटर्न था भाई। यहाँ पर देखो लैंडस्लाइड हो रहा है, ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। एक पत्थर अगर ऊपर से सीधा अपने सर पे लगे ना, तो यहीं पर कहानी खत्म, ब्लॉग द एंड हो जाएगा मेरा। यहाँ पर नेपाल पुलिस का एक छोटा सा चेक पोस्ट लगाया है। एक प्यारा सा नदी, पता नहीं इस नदी का नाम क्या है, लेकिन अच्छा है, बहुत प्यारा है। ये देखो ये एक सस्पेंशन ब्रिज है, छोटा सा ही सस्पेंशन ब्रिज है, जहाँ से यहाँ से पैदल उठना पड़ता है और पैदल इस साइड उस साइड जाना पड़ता है। ये सिर्फ फुट ब्रिज है, बीच में से ये प्यारा सा नदी क्रॉस करने के लिए ये सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है। बहुत ही क्यूट लगता है देखते में ये जो ब्रिज है। ये प्यारा सा नदी जो है हमारे साथ साथ चल रहा है, और इसका जो आवाज आ रहा है ना धीमी धीमी, क्या प्यारा लग रहा है भाई। ये आप तो कैमरे में फील नहीं कर सकते, लेकिन मैं फील कर रहा हूँ। अभी मैं जिस जगह पे हूँ, यहाँ से खुसमा का डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, ओनली 3 भाई। और आज लाइट तो बहुत है, मैं बहुत आगे जा सकता हूँ, लेकिन मुझे मन है कि मैं खुसमा में रुक जाऊँ, क्योंकि पिछले बार जो है मैं तातोपानी पे रुका था, इस बार खुसमा। देखते हैं कैसा जगह है, थोड़ा सा एक्सप्लोर भी कर लेंगे, आपको दिखाएंगे भी खुसमा का सीन और कैसा होटल है, क्या प्राइस है सब कुछ। ये जो गेट है, एंटर करने का गेट है खुसमा में, और फाइनली भाई खुसमा आ गया हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो एक छोटा सा सिटी जैसा ही है, सिटी जैसा नहीं भाई, खुसमा एक सिटी है जहाँ पर सब कुछ अवेलेबल होता है, बहुत सारे होटल भी हैं। अभी मेरा सबसे पहला काम जो है एक अच्छा वाला होटल ढूंढना जहाँ पर वाईफाई अवेलेबल हो और इलेक्ट्रिसिटी कोई डिस्टर्ब ना हो बस, क्योंकि मुझे एडिटिंग करना है। पिछला 2 दिन का जो व्लॉग है वो मैंने अभी तक एडिट नहीं किया, कुछ व्लॉग है जो शेड्यूल में। अच्छा, यहाँ पर फ्यूल पंप भी है खुसमा में, ये तो अच्छा हुआ भाई। बाइक गैरेज भी है, मेडिसिन स्टोर भी है। अभी एक रूम लेना है। तो ये जो मार्केट आप देख रहे हो, ये प्यारा सा मार्केट है खुसमा मार्केट, और मैंने यहाँ पर अपना बाइक पार्क किया। आगे एक होटल मिल गया हमें, होटल इंडिगो, देखते हैं। साथ में रेस्टोरेंट भी है, खाना वाने का सब व्यवस्था भी है, देखते हैं रूम मिलता है कि नहीं यहाँ पर।